Music Factory. हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल नेम वाली एटीट्यूड स्टेटस वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा किस तरह की जो वीडियो है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही है। गाइस, आप इंस्टाग्राम में इस बंदे के पेज को देख सकते हैं, इनके अभी 46,800 फॉलोवर हो चुके हैं। गाइस, इस तरह की जो नेम वाली वीडियो है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस तरह की नेम वाली वीडियो अभी वायरल चल रही हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वीडियो में 15.1 MB आ चुके हैं। इस तरह की जो नेम वाली वीडियो है गाइस अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी इस तरह की एटीट्यूड नेम वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाकर डालेंगे तो आपका पेज भी बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह की एटीट्यूड नेम वाली वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है दोस्तों। आपको कैपकट ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर जाना है और यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है शुभम टेक ऑफिशियल। सर्च करते ही फर्स्ट में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा। तो गाइस, आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इस वीडियो को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा वो सारा मटेरियल इस तरह से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कैपकट ऐप भी देखने को मिल जाएगा और गाइस आपको नीचे में VPN ऐप भी मिल जाएगा। तो आपको VPN ऐप को भी आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले VPN ऐप को ओपन करना है। VPN ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको टैप टू कनेक्ट के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो ये VPN ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको VPN ऐप को कनेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है दोस्तों। अगर आप लोग VPN ऐप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो कैपकट ऐप में इफेक्ट आते हैं वो आपके कैपकट ऐप में इफेक्ट नहीं आएंगे। इसलिए आपको पहले VPN ऐप को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। कैपकट ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस वाले ब्लैक बैकग्राउंड की लिंक गाइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो ब्लैक बैकग्राउंड है इस तरह से ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको ब्लैक बैकग्राउंड की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरह से आपको ब्लैक बैकग्राउंड की लेयर को 5.2 सेकेंड तक बढ़ाना है। अब आपको लेयर के एंड में जो ये बॉटम मार्क मिल रहा है इसको आपको डिलीट करना है। इस तरह से हम यहाँ से बॉटम मार्क को डिलीट कर देंगे। अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा टेस्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का यहाँ से आपको एड टेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस नाम को लिखना है जिस भी नाम से यहाँ पर आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम अपने नाम को लिख देंगे। अब गाइस आपको अपने नाम को 90 डिग्री इस तरह से घुमाना है। इस तरह से हम इसको 90 डिग्री पर इसको सेट करेंगे और इसको आपको बड़ा करके अच्छे से इसको लगाना है। आप अपने हिसाब से इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ से आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपको सेकंड नंबर पर फॉन्ट मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। इस वाले फॉन्ट को हम लगा देंगे और नेम को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर अच्छे से इसको लगा देंगे। यहाँ से गाइस आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको बेसिक वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पर जो एक टेस्ट वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से गाइस आपको स्टाइल वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको ग्रीन कलर को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम ग्रीन कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारा नेम है इस तरह सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस आपको नेम के लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर करना है। इस तरह से हम इसको कर देंगे। अब गाइस आपको इस वाली वीडियो को यहाँ से आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर
क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो को सेव करना है। यहां से आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां से गाइस आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। यहां से गाइस आपको इसमें एक वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है। इस वाली वीडियो क्लिप की लिंक आपको इस वीडियो क्लिप के सामने मिल जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है। अब गाइस यहां पर आपको उसी वाली वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी सेव की थी। इस तरह से हम नेम वाली वीडियो क्लिप को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस आपको पहले जो इस वीडियो क्लिप के सामने जो क्लिप दी है मैंने, उस वाली वीडियो को पहले ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आपको नेम वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो दोनों क्लिप हैं इस तरह से ऐड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको वीडियो के एंड में जाकर जो ये बटन मार्क आ रहा है कैपकट ऐप का, इसको आपको डिलीट करना है। इस तरह से हम इसको डिलीट कर देंगे। अब गाइस आपको सेकंड वाली जो वीडियो क्लिप है इसमें इफेक्ट को लगाना है। तो यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको वीडियो इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको नीचे में एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा सेक वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेक इफेक्ट इस तरह से लग जाएगा। अब आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको स्पीड को 5 पर सेट करना है। इस तरह से हम इसको 5 पर सेट करेंगे और इंटेंसिटी को भी आपको 5 पर सेट करना है। अब यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको इफेक्ट क्लियर को खींच कर नेम वाली वीडियो क्लियर के बराबर करना है इस तरह से। अब गाइस हम नेम वाली वीडियो क्लिप में एक और इफेक्ट को लगाएंगे। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से वीडियो इफेक्ट पर जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्लिच वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ग्लिच वाले इफेक्ट आ जाएंगे। जो आपको सेकेंड नंबर पर एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अब गाइस आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने का जो स्पीड है इसको आपको 30 पर सेट करना है। इस तरह से हम इसको 30 पर सेट करेंगे। अब आपको इंटेंसिटी वाले ऑप्शन को 50 पर सेट करना है और जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन है इसको भी आपको 50 पर सेट करना है। तो जो हमारा नेम है इस तरह सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको इफेक्ट लेयर को खींचकर नेम वाली वीडियो क्लियर के बराबर करना है इस तरह से। अब गाइस आपको नेम वाली वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस यहां पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा मास्क वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मास्क वाले इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको जो फर्स्ट में ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको ये जो लाइन है इसको आपको ऊपर साइड में ले जाना है। यहाँ पर आपको एक की वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे वीडियो क्लिप में इस तरह से जो की है वो लग जाएगी। अब आपको वीडियो के थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पर भी आपको फिर से इसमें एक और की को लगाना है। की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस ये जो लाइन है इसको आपको नीचे साइड में लाना है। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको नीचे साइड में ला देंगे। अब गाइस आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। यहाँ पर भी आपको इसमें की को लगाना है। इस की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको लाइन को खींच कर नीचे साइड में लाना है। इस तरह से हम लाइन को खींच कर नीचे साइड में ला देंगे। अब आपको थोड़ा सा और वीडियो को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर भी आपको की को लगाना है। की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको लाइन को थोड़ा सा और नीचे लाना है। अब गाइस आपको वीडियो के थोड़ा सा और आगे जाना है। यहाँ पर भी आपको की को लगाना है। की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस लाइन को नीचे साइड में ला देना है। इस तरह से हम इसको नीचे साइड में ला देंगे। अब आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है। अब गाइस यहाँ से आपको बैक आना है। अब यहाँ पर गाइस आपको इस समय एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ऑडियो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको चौथे नंबर पर जो एस्ट्रैक वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो आपको ये वाली जो साउंड वीडियो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह से आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इम्पोर्ट साउंड ओनली, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो को जो साउंड है हमारी वीडियो लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग
नेम वाली एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।